बच्चों आइए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 प्रायिकता के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 का उदाहरण क्रमांक 9 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालती है और फिर मान लेते हैं कि एक सिक्का 1 रुपये का तथा दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो बच्चों जब हमने इसके पूर्व में बताया था कि एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा अथवा टेल आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें दो सिक्के एक साथ उछालना है तो यहाँ दो सिक्के उछालने पर क्या होगा उसके परिणामों को यहाँ पे विचार कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब हम दो सिक्का उछालते हैं तो कौन कौन से संभावित परिणाम हो सकते हैं उस पर विचार कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यदि हम पहला सिक्का उछालते तो उसमें एच आ जाए और दूसरे में फिर से हेड आ जाए, और यदि पहले सिक्के में हेड आता है और दूसरे में टेल आ जाए। दूसरा ये हो सकता है कि यदि पहले में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए, और एक और परिणाम यहाँ पे प्राप्त होता है कि पहले में टेल आ रहा है तो दूसरे सिक्के में भी टेल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे जो परिणाम दिख रहे हैं हमको, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। यहाँ पे जो कुल संभव परिणाम हैं वह हैं 4 के बराबर। अब यहाँ पे आपको एक टास्क दिया गया है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जो घटना घटित हो रही है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करे, तो चित्त प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं आप पहली स्थिति में भी चित्त प्राप्त हो रहा है, दूसरी में भी हो रहा है और तीसरी में भी हो रहा है, लेकिन चौथी स्थिति में दोनों में पट प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि अनुकूल परिणाम में ये स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं जहाँ पे एच एच एस टी और टी एच के रूप में हमें चित्त प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे जो अनुकूल परिणाम है 3 के बराबर है, आपको 3 परिणाम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वह संख्या होगी अनुकूल परिणामों की वह होगी 3। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रायिकता का सूत्र है वह होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या कुल परिणामों की संख्या या कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, यहाँ पे चूंकि अनुकूल परिणामों की संख्या आपको 3 प्राप्त हुई है तो इसे हम लिखेंगे 3 बटे कुल परिणाम आप देख रहे हैं यहाँ पे वह है 4 के बराबर। तो यहाँ पे जो कुल परिणाम है 4 के बराबर है तो इसको बटे में लिखेंगे 4। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है वह होगी 3/4 के बराबर। इसी प्रकार से आप पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न आपको अवश्य समझ में आया होगा। यदि आपको इसी प्रकार से कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।